हेलो जिंगल्स, स्वागत है आप सभी का रोब्लॉक्स के एक और नए मजेदार एपिसोड में। और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं मॉल टाइकून, जहां पर लास्ट एपिसोड में हमने अपने मॉल को काफी ज्यादा लग्जरी मॉल बनाया था, मगर आज हम उसे और काफी ज्यादा खतरनाक बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में 231 मिलियन डॉलर्स हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। इसमें तो हम काफी सारी चीजें एक साथ अपग्रेड कर सकते हैं और अपनी हर सेकंड की इनकम को भी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखोगे तो 9.9 मिलियन डॉलर्स और यहाँ पर जमा हो चुके हैं, मतलब 241 मिलियन डॉलर्स अपने अकाउंट में, अपने जेब में पड़े भाई। तो अब फटाफट से चलते हैं हम फिफ्थ फ्लोर पर। वैसे जा सकता हूँ या नहीं, जाना तो पड़ेगा भाई, अपग्रेड कर लिया है हमने। और यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें अभी और करनी बाकी थी, यानी कि हमने इस फ्लोर को भी अपग्रेड कर लिया था भाई। सिक्स फ्लोर बचा हुआ था, अंदर खिलौनों की दुकान, मतलब जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, वो भी हमने अपग्रेड कर लिया था काफी ज्यादा। तो अब चलते हैं हम ऊपर वाले फ्लोर पर। और यस, यहाँ पर हमने अभी कुछ भी नहीं लगाया, तो फटाफट से यहाँ पर अपग्रेड करना स्टार्ट कर देते। यहाँ पर बनाते सबसे पहले एलिवेटर, उसके बाजू लगाएंगे कुछ झाड़, यहाँ पर रेलिंग लगा देते चारों तरफ से। यहाँ पर न्यू स्टोर के अंदर जाकर ना कुछ बढ़िया वाली दुकान ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ना हम स्ट्रीट वेयर वाली शॉप ओपन करते हैं, जहाँ पर कपड़े मिलेंगे काफी ज्यादा बढ़िया, जिसकी वजह से ना हमारा सेल और काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये हो चुकी है शॉप कम्प्लीट। अब यहाँ पर ना जो एरिया है ये वाला, ये एरिया में भी जो छोटी मोटी, मगर ये नहीं लगा रहा मैं अभी, मैं दुकानें बनाऊंगा पहले, इनकम का सोर्स बढ़ाएंगे उसके बाद में। और यहाँ पर अगर देखोगे परचेज एनी स्टोर बोल रहे हैं अंकल, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ना हम सैलून ओपन कर देते हैं, ठीक है, जो कि बढ़िया रहेगा क्योंकि सेकंड फ्लोर पर हमने सैलून बनाया है। और ये वाली स्टोर भी हो चुकी है कंप्लीट। इधर एक काम करते हैं, यहाँ पर कौन सा बोल रहा है, बिल्ड मोर क्लोथिंग स्टोर, ओके, तो क्लोथिंग तो खोल लिया ना। एक काम करते जनरल स्टोर, यार ये तो दिक्कत की बात है। यहाँ पर एक काम करते कैंडी स्टोर ओपन कर लेता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। कैंडी स्टोर पूरे मॉल में हमने अभी तक लगाया नहीं है, तो यहाँ पर कैंडी स्टोर लगा देते। चलो ये वाली भी शॉप का काम हो गया कंप्लीट। अभी भी 230 मिलियन बचे भाई, 1.5 लाख की तो अपने को टिप आ रही है। यहाँ पर मेरे को जनरल स्टोर खोलना है, मगर जनरल स्टोर में खोल नहीं सकता, फोन स्टोर एक काम कर दो ओपन कर लेता हूँ। चेकआउट काउंटर लगाएंगे ताकि पैसे की इनकम और काफी ज्यादा बढ़िया हो जाए। और अभी भी 27,000 डॉलर हर सेकंड की अपनी इनकम हो गई भाई, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया। यहाँ पर 8 लाख रुपए लग रहे हैं न्यू शॉप परचेस करने के लिए। तो यहाँ पर क्लोथिंग शॉप लगाएंगे, क्योंकि जैसे अपने को अंकल बोल रहे हैं ना, हम वैसे ही शॉप को इंक्रीज कर रहे हैं और वैसे ही उस तरह से अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उससे ना अपने पैसे और काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो मेरे को एक कैब देना अंकल। और ये वाली कैब भाई नहीं, ये वाली नहीं, दूसरे कलर की कैप लगाते हैं, हमारी दुकान है ना। तो यस, ये ब्लू वाली कैप काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, एक नंबर के छपरी लग रहे हैं हम, टॉप क्लास के। और यहाँ पर ना एक काम करते हैं, अब जनरल स्टोर बोल रहा है ना, तो चलो ये है जनरल स्टोर, ये वाली जनरल स्टोर ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर बैट वगैरह ये सारा का सारा थोड़ा सा स्पोर्ट्स टाइप सामान मिलता है। चलो ये भी कम्प्लीट। अब ना बचा ये वाला हॉल, उसको अपग्रेड करने से पहले यहाँ पर ना छोटी मोटी चीजें लगा लेते हैं, ताकि हम वो एरिया को अपग्रेड कर सके। और यहाँ पर एक छोटा सा फव्वारा लगा दिया, फाउंटेन। अब इससे ना हमने सामने की जगह भी अनलॉक कर ली, यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा देते हैं, उसके बाद में हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पर तो भाई लाखों रुपए लगने वाले हैं। अभी अगर देखोगे तो 220 मिलियन डॉलर मेरे पास में थे, वापस 219 मिलियन हो गए। और यहाँ पर तो शायद से जनरल स्टोर टाइप सामान मिलेगा, मतलब जो घर के अंदर चावल, गेहूं, शक्कर, पत्ती, शैम्पू वगैरह, वो ऐसा सारा का सारा सामान है इधर। चलो हम अपग्रेड करने का काम करते, इसीलिए तो मैंने पहले ही काफी ज्यादा पैसे जमा करके रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा, क्योंकि मेरे को पता था अबे शेल्फ पर से चढ़ के उधर साइड निकल गए भाई हम, या मेरे को पता था भाई अपग्रेड करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। चलो ये स्टोर भी हो गई कंप्लीट। अब पता नहीं ऊपर का फ्लोर कितने में आएगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो जमीन का कलर करने के लिए चेस्ट टाइप 8 लाख रुपए लगे, मगर एस्केलेटर लगाने के लिए 5.7 मिलियन डॉलर्स, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। और उतनी देर में हमने 7 मिलियन यहाँ जमा भी कर लिए। चलो चलते ऊपर के फ्लोर पर। और यहाँ पर फिर से शांति हो गई ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ना, अब हम, ये बंदा बोल रहा है कोई भी स्टोर ओपन करो, तो एक काम करते हैं ड्रेस्ड स्टोर ओपन कर लेते। ये थोड़े से डिजाइनर कपड़े लग रहे हैं मेरे को, या फिर वही छपरी टाइप कपड़े तो नहीं है यहाँ पर। नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़े से अच्छे वाले हैं। और 52,000 हर सेकंड की इनकम, ये कुछ ज्यादा नहीं इनकम अपनी तेज होते जा रही। बस यहाँ पर ना एस्केलेटर लगा लेते हैं, ताकि बंदे लोग आराम से आए लिफ्ट से। अब यहाँ पर हम ना ब्यूटी स्टोर ओपन करते हैं, क्योंकि अंकल बोल रहे भाई ब्यूटी स्टोर ओपन करो, तुम अंकल की सुननी पड़ेगी अपने को, है कि नहीं। ऐसे समझ लो एक तरह के मैनेजर है अपने, रोज स्पा। और यहाँ पर कुछ तो मेरे को मेल आया हुआ है, 6th फ्लोर पर हम चले गए इसीलिए उसका मेल है। और इधर अगर देखोगे तो भाई हमने मार्टी का काम कंप्लीट कर दिया, बस जाके उससे रिवॉर्ड लेना है। तो एक काम करता हूँ मैं, जाकर ना पहले रिवॉर्ड लेकर आता हूँ, क्योंकि वो अपने को रेयर स्टोर भी तो दे सकता है कि नहीं। इसलिए 1st फ्लोर पर चलते हैं। और यहाँ पर
4 मिलियन और जमा हो गए। वाह। हेलो मार्टिन भैया, तुम्हारा काम हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। मेरे को कुछ लेजेंडरी चीजें दे दो तुम। तो यहाँ पर ना इसको अनरैप करेंगे तो पाई वन टाइम यूज रोब्लॉक्स स्टोर है ये तो, और उसके अलावा और कुछ नहीं है भाई साहब तुम्हारे पास में। तो कम बैक इन 8 आवर्स। ओके, 8 घंटे के बाद आ जाऊंगा। एक काम करते जाते जाते भाई, 4 मिलियन से 6 मिलियन हो गए, कुछ ज्यादा स्पीड से पैसे जमा हो रहे हैं। चलो चलते हैं अब हम सीधा 7th फ्लोर। यहाँ पर ना पहले लाइट लगाता हूँ, ठीक है। और 2 मिलियन का एरिया अपग्रेड कर लिया यार मैंने, मेरे को नहीं करना था, मेरे को दुकान में पैसे लगाने थे पहले, लास्ट में लगाऊंगा ये सब सारी की सारी चीजों पर पैसे। अब बिल्ड मोर जनरल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो इलेक्ट्रॉनिक यस, ये वीडियो गेम वाली स्टोर ओपन कर लेते हैं, है कि नहीं, जहाँ पर गेमिंग सीडीज वगैरह, गेमिंग कंटेंट वगैरह, मतलब वीडियो गेम जो हम परचेस करते हैं वो वाली स्टोर ओपन कर ली। अब यहाँ पर कौन सी चीज ओपन की जाए, इन्वेंटरी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर रोब्लॉक्स लेजेंडरी कुछ तो मिला है, वो वाली स्टोर ओपन करता हूँ। और यहाँ पर अगर देखोगे भाई साहब, ये कुछ ज्यादा महंगा, एक काम करते 4 मिलियन का सामान है ना लगा देता हूँ, ताकि मेरे पैसे और काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, और मेरे अब हर सेकेंड के पैसे भाई। $1,92,000 हर सेकंड की मेरी इनकम हो गई। अब ये लेजेंडरी स्टोर में मेरे को कुछ तो लेजेंडरी दे दे भाई। ए भाई, मैं मालिक हूँ यहाँ का, कुछ तो यहाँ के कपड़े लत्ते ये कुछ सामान दे दे भाई, मैं गरीब हूँ अभी फिलहाल में। खैर छोड़ो, नहीं दे रहा तो छोड़ो, कुछ टाइम में हम खुद ही हर एक चीज जाकर परचेस करेंगे वहाँ पर। और अब यहाँ पर परचेज एनी स्टोर, तो यहाँ पर ना एक काम करते, खाने पीने का मैंने कुछ खोला हुआ या नहीं, तो यहाँ पर तो नहीं खोला, मगर अपने पास में अभी फिलहाल में ना एक रेयर स्टोर है, तो टैको स्टोर जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेकआउट काउंटर कितने सारे लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, चलो जो भी है लगा दिया हमने यहाँ पर, हो गई है शॉप का काम कम्प्लीट। अब इसके सामने वाली स्टोर में हम क्या खोला जाए, यहाँ पर और कुछ रेयर है अपने पास में, तो ये आर्ट स्टोर है जो कि काफी ज्यादा रेयर है, तो हम ये ओपन करते हैं। यहाँ पर रेयर स्टोर जितना ज्यादा ओपन करेंगे उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि उतना ही ज्यादा अपने को पैसे मिलेंगे। वैसे ये वाली रेयर स्टोर शायद से मैंने नीचे ओपन किया था, नहीं किया था, जो भी हो। और अभी अपने पास में पैसे काफी ज्यादा स्पीड से खत्म हो चुके हैं, मगर देखते ही देखते यहाँ पर 20 मिलियन 21 मिलियन डॉलर और आ गए भाई। तो एक काम करते हैं, ये जमा होने देते हैं, जितने पैसे अपने पास है ना उस उतने में हम ये वाला एरिया अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। और इधर तो पूरा बिन वगैरह वो हर एक चीज लगा दी 3.5 मिलियन डॉलर में। यहाँ पर अंदर अपने को ये क्या है, थिंकर क्या होता है, ओहो कुछ तो स्टैचू है ये, तो यहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लेते। तो भाई ये स्टैचू वाला फ्लोर लग रहा है मेरे को, यहाँ पर 8 टाइप पुराने जो महंगे महंगे स्टैचूज है, पेंटिंग वगैरह वो है, वो इधर हमने उसका फ्लोर इधर बनाया है। और यहाँ पर स्कल्पचर अगर देखोगे तो भाई छेनी हथौड़ी से किसी ने बनाया, ये है सबसे महंगी पेंटिंग, पता नहीं इसके अंदर क्या है, कलर कलर की शेड लग रहे हैं। अबे पुतले ऐसा कैसे आया तू, मेरे को मार लग गया ना भाई। और 1.9 मिलियन की तो टिपी मिल रही है, कौन ऐसे अंबानी आ रहे हैं अपनी दुकान में जो अपने को इतने पैसे की टिप देकर जा रहे हैं। चलो ये भी अब पूरा फाइनल अपग्रेड हो जाएगा, यहाँ पर भी हमने हर एक चीज लगा दी है। यस, $2,25,000 हर सेकेंड हम कमा रहे हैं, रियल लाइफ में भी इतना कमाते तो जिंदगी कुछ और होती। चेक्स वाले फ्लोर 2.5 मिलियन का आ रहा है, वो भी लगा देते, चलो हो गया। एस्केलेटर लगा दिया, ऊपर के फ्लोर पर चलते, पता नहीं अब यहाँ पर हर एक चीज कितनी ज्यादा महंगी होने वाली है, मगर देखते देखते 43 मिलियन यहाँ पर जमा हो गए भाई। तो यहाँ पर मॉल प्रोग्रेस अगर देखेंगे तो 7th से हम 8th फ्लोर पर अब चले गए, किसी की मैयत में आया ऐसा लग रहा है, इतना शांति है यहाँ पर। चलो न्यू स्टोर कौन सी खोली जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलने के लिए बोल रहा है बंदा, तो ले इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोल लेते हैं भाई। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर तो भाई कुछ ज्यादा बढ़िया लग रही है। चलो ये स्टोर का काम हो चुका है कम्प्लीट, पहले लगाएंगे यहाँ पर एलिवेटर और कुछ पेड़ पौधे ताकि लोग यहाँ पर आए। और 5 मिलियन की यहाँ पर रेयर स्टोर अपने पास है अभी नहीं है, तो ब्यूटी स्टोर बोल रहा है ओपन करने के लिए, ब्यूटी स्टोर तो यहाँ नहीं है, क्लोथिंग स्टोर है मगर अपने पास में, क्लोथिंग स्टोर ओपन कर लेते हैं हम, है कि नहीं, वो ज्यादा सही रहेगा। और इसका भी काम ऑलमोस्ट होने पे भाई पूरे पैसे खत्म हो गए, मेरे पास में 81 मिलियन डॉलर ही बचे हुए हैं। मैं कपड़े भी खरीद सकता हूँ कि यहाँ से टी शर्ट परचेस कर सकता हूँ, ओहो टी शर्ट परचेस कर ली भाई हमने, पर्पल कलर की काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, येलो भी अच्छी लग रही है, रेड नहीं चाहिए मेरे को, पर्पल ही अपनी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, ये सही है। जीन्स कहां सब चेंज करूं मैं अब जाकर। यहां पर 5 मिलियन की एक और स्टोर ओपन करते हैं, रेयर स्टोर है इसके अंदर नहीं है, ब्यूटी स्टोर ओपन करने के लिए बोल रहा है बंदा, मगर ब्यूटी स्टोर नहीं ना, एक काम करते हैं कारपेट स्टोर खोल लेते हैं, कारपेट स्टोर 1st फ्लोर पे थी अपने, उसके बाद अब हमने यहाँ पर लगाई है। चलो ये भी कंप्लीट, और कुछ बचा हुआ है अभी तो बहुत सारी चीजें करना बाकी है भाई। यहाँ पर हम लगाते हैं फूड स्टोर या फिर ब्यूटी, तो एक काम करते हैं, अंकल बोल रहे फूड और ब्यूटी दोनों में से कोई एक, तो अभी फूड कुछ तो है नहीं, ब्यूटी लगा लेते हैं इधर,
ब्यूटी के कितनी दुकानें होगी अपने पूरे मॉल के अंदर। वैसे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पर ना मार्जिन काफी ज्यादा होता है। चलो इधर का भी काम कंप्लीट। $52 मिलियन अभी भी मेरे पास में पड़े हैं। इसमें भी मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमको एक शूज की एपिक स्टोर अनलॉक हुई है, तो वही ओपन करूंगा क्योंकि ये अपने को काफी ज्यादा पैसे ना बड़ा कर देगी। भाई कितनी महंगी दुकान दी है, तो भी हमने अपग्रेड कर लिया। अब जूते ना, मैं ये जूते से बोर हो चुका हूँ, शूज से मेरे को चाहिए थोड़े। अबे जूता दिए, ये जूते का अब्बा दिया भाई, इतने बड़े बड़े। वैसे काफी ज्यादा कूल लग रहे ना भाई साहब। पर्पल कलर के शूज देना मेरे को। छोड़ो, नहीं दे रहे। हर दुकान में जाकर ना हर एक चीज। जूते का वजन इतना है कि मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। अब 36 मिलियन में क्या ही हम कर लेंगे। शायद एक शॉप वॉप परचेस कर सकते हैं। 7.2 मिलियन की शॉप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फूड चाहिए था ना तेरे को। पिज्जा खोला जाए या आइसक्रीम खोला जाए? पिज्जा खोला जाए, पिज्जा बढ़िया रहेगा। आइसक्रीम से किसका पेट भरता है बताओ। चलो ये भी कम्प्लीट। भाई साहब मैंने तो यहाँ पर देखा ही नहीं, $3,37,000 की इनकम हो गई हमारी, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक काम करते, यहाँ पर ना लाइटिंग वगैरह वो सारी की सारी चीजें लगा लेते, वो ज्यादा सही रहेगा। उसके साथ में यहाँ पर अगर देखेंगे तो $109 मिलियन ये अपग्रेड करने तक मेरे पास में जमा भी हो गए। वाह, मैं तो अंबानी हो चुका हूँ मॉल के अंदर। और वैसे हम कितने पर चल रहे हैं भाई? अभी भी हम फर्स्ट पर चल रहे हैं। जब आए थे तब भी फर्स्ट पर थे, अभी भी हम फर्स्ट पर ही है। और पैसे हो गए ना मेरे पास में खत्म, दिक्कत नहीं है। ये लेके आया मैंने जेब में $115 मिलियन भरकर। और इधर ना रेलिंग लगाना पड़ेगा अपने को, और 8.7 मिलियन की और अपने को टिप मिली। वाह भाई साहब, इधर रेलिंग लगा दे तो चारों तरफ से, वरना पता चले कस्टमर अपने नीचे गिरते जाए। हर एक चीज पूरी तरीके से कंप्लीट, बस इस साइड की रेलिंग बची हुई है। 1.4 मिलियन का झाड़ बेच रहा है, देखो जरा महंगाई लूट रहे साले। और यहाँ पर ये कौन सी चीज है? यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर प्लैंक वगैरह, ये कौन सी चीज है? प्लांट है, प्लैंक नहीं है। तो अंदर शायद से ये कुछ तो महंगी वाली होटल लग रही है मेरे को, रेस्टोरेंट। चलो इसे भी कर लिया हमने फुल्ली अपग्रेड। जूस बार लगा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से अंदर अपने को भाई फ्रीजर वगैरह वो भी लगाना है। ये इस फ्लोर की सबसे बड़ी, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है इस मॉल की सबसे बड़ी होटल होने वाली है, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट होने वाला ही है। मगर टने की आवाज आई नहीं, कुछ छूट गया क्या? यहाँ से रास्ता भाई, ओहो इसके अंदर भी और था, मैंने तो ये देखा ही नहीं। और यस अब आई है ना आवाज। और यहाँ पर चलो लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं, स्टाफ यहाँ पर आ गया पूरा। और अब बारी है 9th फ्लोर परचेस करने की। ओ भाई 5 लाख रुपए तो नहीं हो गई मेरी इनकम, भाई 4.5 लाख रुपए हो गई मेरी हर सेकंड की इनकम। अब हम 9th to 12th वाले फ्लोर पर जाने वाले हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीजें अभी होने वाली है। और यहाँ पर कार पार्क 2 अनलॉक, मतलब बाजू की जगह पर भी हम कार पार्किंग वगैरह वो बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जाकर ना बना कर आते हैं। वहां पर ना एक वर्क बेंच भी है। यहाँ से चलते सीधा फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि एस्केलेटर से आने ना बहुत टाइम लगता भाई उतनी देर में। और कितना पैसा जमा, मतलब कितना पैसा कमा रहा हूँ मैं, करूंगा क्या इतने पैसों का? एक काम कर दो, अगर तुम लोग का चाहिए तो बोलो, मैं इतने पैसे का गिव अवे कर देता हूँ, 1-1 मिलियन बांट दूंगा सब में। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारे भाई का, टेंशन मत लो तुम। सबको गेमिंग पीसीज ना गिफ्ट कर देता हूँ, मगर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो सब्सक्राइबर है उन्हीं को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर ड्राइंग वगैरह बना दिए हमने, जहाँ पर कार लगेगी। और यहाँ पर ना महंगी महंगी गाड़ी लगा देते हैं, पूरा कार से भर दिया हमने ये वाला सेक्शन। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कुछ देर के अंदर जो अपनी इनकम है ना वो हर सेकंड की 1 मिलियन होने वाली है, और हो जाएगी जो स्पीड से हम चल रहे हैं। अब काफी ज्यादा स्पीड से हम अपग्रेड कर रहे हैं, हर एक कार पे 1,000 रुपए बढ़ रहे हैं। वाह भाई साहब, चलो अब हमें जाना है 7th फ्लोर, तो हमने अपग्रेड कर लिया ना, हमें जाना है 8th फ्लोर, इसे हमें अपग्रेड करना। नीचे से ऊपर आने तक भाई यार, मतलब ज्यादा पैसा हो तो क्या क्या कर लेता इंसान। मतलब सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से 8th फ्लोर तक मेरे को आने में मतलब कुछ सेकंड का टाइम लगा है, और इतनी देर में 8-10 मिलियन डॉलर कमा लिया तुम्हारे भाई ने। वाह, खैर अब चलते हैं ऊपर साइड। यहाँ पर क्या क्या है वो सारी की सारी चीजें चेक कर लेते हैं। काफी ज्यादा शांति है ना, एक दुकान को ओपन करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर लगाते हैं हम एक बढ़िया वाली ब्यूटी स्टोर, ठीक है, ताकि यहाँ पर महिला आए और ठुमक ठुमक कर मेकअप करे। चलो इधर लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं, उसके लिए लाइटें लगाना पड़ेगा। लाइटें और रेलिंग लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर 13 मिलियन डॉलर में कौन सी स्टोर खोली जाए? तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर तो अभी अनलॉक है नहीं। यहाँ पर ना सी फूड वगैरह बनाते हैं हम, ताकि यहाँ पर लोग बैठकर खाए आराम से, है कि नहीं? मगर अंकल नाराज हो गए हमसे सी फूड
फूड हमने यहाँ पर बनाया तो पता नहीं क्यों। बिल्ड मोर इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग स्टोर, तो ना इधर इलेक्ट्रॉनिक है ना क्लोथिंग है, बिल्ड लेस फूड स्टोर। ओके ओके ओके, काम कर जनरल स्टोर बना लेते भाई। अभी जो मेन स्टोर चाहिए वो तो अनलॉक हुआ नहीं है ना, और ये स्टोर भी हो गई कम्प्लीट। मेजर मार्ट ये तो 15 मिलियन की आ रही है, तो एक काम करते है भाई, हर एक चीज कितनी महंगी आ रही है, तो यहाँ पर लगाते है हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है कि नहीं। वैसे शायद से हमने 6th फ्लोर पर ही अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोली है और पैसे खत्म हो गए मेरे पास थोड़े। यहाँ से 17 मिलियन और जमा हो गए ना, तो उतने में जितनी अपग्रेड होती है ये स्टोर कर लेते शायद से पूरी हो जाएगी। यस पूरी ही हो गई। और अभी बाकी के स्टोर्स को ओपन करने के लिए ना अपने को काफी ज्यादा पैसे का नीड है, तो यहाँ पर एक रेयर स्टोर आई है, तो ये रेयर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओपन करता हूँ यहाँ पर। और पैसे तो इतने है नहीं अपने पास, मैं चेकआउट काउंटर लगा दिया बस। तो बस उतनी स्टोर को कम्प्लीट करते है और फिर पैसे जमा करने के लिए ना हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पर मॉनिटर लगा दिया, इधर भी मॉनिटर लगा देते। ना भाई अब पैसे खत्म हो गए अपने पास, अब बहुत पैसों की जरूरत है, अपने को काफी ज्यादा देर ना इंतजार करना पड़ेगा। पर खैर दिक्कत नहीं है, अभी तो काफी ज्यादा अपग्रेड करना बाकी है मॉल को, वो तो हम सारी की सारी चीजें कर लेंगे मगर अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड को इतने ही रखते हैं। एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और नए आए हो चैनल पे एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसी बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसी नई नई सीरीज आते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सर्वाइवल गेम, क्राफ्टिंग गेम, सिम्युलेटर गेम्स देखना चाहते हो तो दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी जरूर चेकआउट करो, मैं उस पर भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और हाँ अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम जरूर चेकआउट करना, बाय बाय।